राजनांदगांव शहर के रियासतकालीन गणेश मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है, जिसके पीछे एक लंबा इतिहास है। बता दें कि रियासतकालीन वर्तमान शासकीय दिग्विजय कॉलेज में सन 1866 में श्री गणेश मंदिर की स्थापना की गई थी। 158 वर्षों से रियासतकालीन इस मंदिर में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। राज पुरोहित के पुत्र पंडित जितेंद्र झा ने बताया कि ये गणेश मंदिर जिले का पहला गणेश मंदिर है। यहाँ लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने पर चांदी का छत्र चढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि जब इस मंदिर की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी तब 16 चांदी के छत्र थे, जो आज 124 हो गए। के प्रथम गणपति हैं राजनांदगांव। उनका इतिहास 168 साल पुराना बताया गया मेरे को। मैं पूछा था उनसे, रघुनाथ दास जी से, तो बताया करीब इनका इतिहास 168 वर्ष पुराना बना है। और जहाँ पर वो गेट में हैं, वो गेट का नाम ही गणेश द्वार है, जिसको अभी तक कई लोग नहीं जानते। तो वो गेट को ही गणेश द्वार के नाम से निर्माण कराया गया था। ये छत्र चढ़ाने का परंपरा ये है कि गणपति का छत्र छाया हमारे ऊपर बना रहे और गणपति के छत्र छाये में हम चलते रहे और मनोकामना पूर्ण हो जाता है। किला निर्माण के साथ ही यहाँ पर मंदिरों का निर्माण शुरू होता है। और वैसे भी आप देखेंगे कि कोई भी जो प्रमुख कार्य है या प्रारंभिक कार्य, इसकी शुरुआत जो है गणेश जी के साथ हुई। तो किला का निर्माण जो है वो 1830-35 के आसपास शुरू हुआ था, जाकर के 1866 में पूरा घासीदास जी के समय में पूरा हुआ था। और उसी समय से ये प्राचीन गणेश मंदिर की स्थापना हुई थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि रियासतकालीन जो है ये प्राचीन, सबसे राजनांदगांव के प्राचीन मंदिरों में से है। और किला निर्माण के साथ ही इस गणेश मंदिर की स्थापना यहाँ पर हुई थी।